फ्रेंड्स, दिस इज मोनिका अग्रवाल फ्रॉम डिवाइन सेंटर पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। आई एम हियर अगेन और मुझको ये लोकेशन बहुत पसंद आ रहा है क्योंकि एक तो अच्छी चीज़ हुई है इस पूरे लॉकडाउन की चीज़ में कि हमारा एनवायरनमेंट बहुत क्लीन हो गया, जो कि मैंने पहले वीडियोज़ में भी आपको बताया है। तो चलिए, ये वीडियो मेरा जो मेरा हिंदी स्विचवर्ड्स का कोर्स है, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनमें से बहुत सारे लोगों को पता है कि ये ऑलरेडी मैं चलाती हूँ, ऑलरेडी देती हूँ, कंसल्टेंसी भी मैं जब देती हूँ काफ़ी टाइम से मैं दे रही हूँ, लेकिन इसको एज एन कंप्लीट कोर्स मैंने सोचा लॉकडाउन में कुछ नई चीज़ करी जाए। तो ये है क्या, ये बाकी जो नॉर्मल स्विचवर्ड्स का कोर्स है उससे कैसे डिफरेंट है, आप इससे कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले समझिए जो स्विचवर्ड है वो क्या होते हैं। हमारे जो माइंड है अगर हम उसको देखें तो वो तीन पार्ट में डिवाइडेड है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड सुपर सबकॉन्शियस माइंड। यहाँ पे हम दो माइंड के बारे में बात करेंगे, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, यानी कि चेतन मन और अवचेतन मन। अब कॉन्शियस माइंड जो होता है हमारा वो 10% होता है, सबकॉन्शियस 90% होता है, और हमारी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की वजह से हो रही है। यानी कि हमारी लाइफ में सब कुछ जो भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, आप कहीं जा रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है, कुछ आप अचीव कर रहे हैं, वो उस सबकॉन्शियस माइंड की वजह से हो रहा है जिसमें पता ही नहीं है कि क्या छुपा पड़ा है। तो सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है, कितना डोमिनेटिंग है एक ह्यूमन लाइफ में, ये तो आप लोगों को पता ही है। तो अगर हम सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ फिल ऑन करते हैं, कॉन्शियस माइंड का यूज़ बढ़ाकर जो हमें चाहिए, तो मैनिफेस्टेशन इजी हो जाता है। जिस तरह से हम कंप्लेन करते हैं कि हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसी तरह से सॉल्यूशंस भी आने शुरू हो जाते हैं। अब होता क्या है कि जो स्विचवर्ड का जो साइंस है वो वेस्टर्न साइंस है, और वेस्टर्न साइंस के अकॉर्डिंगली उन्होंने ये चीज़ डेवलप करी कि सबकॉन्शियस माइंड के साथ जो शब्द वर्क करते हैं उनको जब हम रिपीटेटिव बोलते हैं, किस तरीके से बोलना है, किस तरीके से इंस्टॉल करना है, किस तरीके से इनको चैंट करना है या लिखना है, वो एक अलग साइंस है। वो सब जब हम बोलते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ वर्क करते हैं और हमारे मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को बढ़ा देते हैं और हमारे लिए वो चीज़ें पॉसिबल कर देते हैं जो हमें एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इम्पॉसिबल लगती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मनी का प्रॉब्लम, सबको ही मनी का प्रॉब्लम है। अभी लॉकडाउन के टाइम में तो और ज़्यादा इनसिक्योरिटी लोगों के मन में बढ़ गई है क्योंकि सबको लग रहा है कि इकोनॉमी में फ़र्क पड़ेगा, इकोनॉमी अगर हिट होगी तो हमारी जॉब्स बचेंगी नहीं बचेंगी, हमारा बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा। तो दिस इज समथिंग, मनी इज़ एन एनर्जी फॉर्म एंड इट इज़ अ सर्वाइवल, इट्स अ रिक्वायरमेंट, इसके बिना आप काम नहीं कर सकते हो। अब अगर हम एक मतलब जो स्विचवर्ड का प्रॉपर वेस्टर्न कोर्स है वहाँ पे मनी के लिए बहुत सारे शब्द यूज होते हैं। एक बहुत कॉमन वर्ड है काउंट, COUNT। वी ऑफन से कि अगर आपको मनी इंक्रीज करना है या मनी अट्रैक्ट करना है तो आप काउंट का चांट करिए, काउंट 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 काउंट। बट बहुत सारे लोगों के साथ ये बहुत काम करता है, जो मैंने पहले भी एक वीडियो में कुछ वर्ड्स बताए थे मनी के लिए, बट काफ़ी लोग कहते हैं कि हम ये कर रहे हैं बट हमारा मैनिफेस्टेशन नहीं हुआ, हमें फ़ायदा नहीं हुआ, या थोड़ा सा फ़ायदा हुआ या बिल्कुल फ़ायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वी आर इंडियंस, और कुछ चीज़ें जो बाहर से बनी हुई हैं वो इंडियन माइंड एक्सेप्ट करने में टाइम लेता है। फॉर एग्जाम्पल, काउंट वर्ड मैंने आपको दे दिया, बट हो क्या रहा है कि जब आप उस काउंट वर्ड को बोल रहे हैं तो मेरे माइंड में ये है, या हो सकता है कि 50% लोग जब काउंट आप बोल रहे हो तो पैसे का ध्यान आता है कि हम काउंट कर रहे हैं, मनी काउंट कर रहे हैं, बट उसमें से 20% लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके लाइफ में बहुत टाइम से बहुत प्रॉब्लम चलती आ रही है, और जैसे ही आप उनको काउंट वर्ड बोलते हो तो काउंट वर्ड से उनका माइंड ट्रिगर करता है प्रॉब्लम्स काउंट करना शुरू करना या इलनेस काउंट करना शुरू कर, तो वो उनके लिए इफ़ेक्टिव होने की जगह उल्टा असर देता है। क्यों? क्योंकि इंडियन माइंड के साथ कुछ हमारे वेस्टर्न स्विचवर्ड्स अच्छे तरीके से नहीं जा पाते हैं, तो वो उनको फ़ायदा करने की बजाय या तो बिल्कुल कोई असर नहीं देंगे या नुकसान दे देंगे। तो उसी के लिए हमने इन हिंदी स्विचवर्ड्स बनाए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो हम पर्सन टू पर्सन वर्कआउट करेंगे, उनकी प्रॉब्लम को समझेंगे, उनके साथ क्या शब्द जा रहे हैं, वो क्या मतलब, वो एक पूरा कंसल्टेशन होगा, उसके बाद उनके लिए एक स्विचवर्ड डिज़ाइन होगा, एक सेंटेंस डिज़ाइन होगा, उसको इंस्टॉल कैसे करना है, उसको काउंट कैसे करना है, उसको चैंट कैसे करना है, उसको मैनिफेस्ट कैसे करना है, वो सारा कुछ उसमें बताया जाएगा। सेकेंड थिंग इज़ कोर्स हिंदी स्विचवर्ड्स का, अगर आप चाहते हैं कि वो आप कोर्स कर
पढ़ लें, उसका पूरा डीपली कंसेप्ट समझें कि इसका साइंस क्या है, ये समझा कैसे जाता है, तो वो कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं जो कि व्हाट्सएप पे बहुत इजीली अवेलेबल है. तो दो चीज़ें, तो यू कैन बुक इन हिंदी स्विचवर्ड्स कंसल्टेशन, द अदर थिंग यू कैन लर्न दैट हिंदी स्विचवर्ड्स ऑन योर ओन एंड गिव इट टू द अदर्स ऑल्सो. आप उसकी कंसल्टेंसी रन भी कर सकते हैं. तो अगर आप हिंदी स्विचवर्ड्स का कोर्स करना चाहते हैं जो कि फर्स्ट टाइम मैं व्हाट्सएप पे लेके आ रही हूँ, फर्स्ट टाइम व्हाट्सएप, यानी कि व्हाट्सएप कोर्सेज में रन नहीं करती हूँ जनरली बिकॉज उसमें कहीं ना कहीं क्वालिटी हैम्पर होने का डर है, बट इस टाइम पे मैंने स्पेसिफिकली डिजाइन करा है इस चीज को माइंड में रखते हुए कि क्वालिटी बिल्कुल भी हैम्पर ना हो, सेम क्वालिटी आपको मिले जो आपको मेरे पर्सनल क्लासेस में मिलती है, प्लस इंट्रोडक्टरी प्राइस भी बहुत रीजनेबल और बहुत कम है. तो इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन दैट व्हाट्सएप कोर्स ऑफ हिंदी स्विचवर्ड्स एंड टू लर्न दिस साइंस और अपनी चीजों को, अपने विशेष को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अपने लाइफ से प्रॉब्लम्स को दूर करके पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन सेक्शन में नीचे जहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा है वहां पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा. मैं यहाँ पे बोल भी देती हूँ, 8882674988268276749. सो यू कैन व्हाट्सएप मी एंड पेटीएम से या बैंक ट्रांसफर से आप वो पेमेंट करके ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सकें. थैंक यू.